वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो हमारा हुआ है टाटा BS3 गाड़ी के ऊपर है, जो कि वाटर टैंक से पानी बाहर आ रहा है। जो हमारे रेडिएटर का वाटर टैंक आता है उसके अंदर से पानी बाहर आ रहा है, आइडल गाड़ी में यानी खड़ी गाड़ी में पानी आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने मैंने गाड़ी को चालू किया है और चालू करने के बाद ये पानी बाहर आना चालू हो गया है, जो कि गाड़ी बिल्कुल एकदम ठंडी पड़ी हुई है। और गाड़ी चालू करते ही हमारा बाहर पानी आना चालू हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाएंगे आपको और इसमें बताएंगे कैसे हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, कैसे सॉल्व होगा। जैसे कि BS2 गाड़ी हो या BS3 हो, BS4 में भी ये प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो ये वीडियो को एंड तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी ऐसा ज़रूरत हो सकता है, ज़रूरत पड़ेगा तो आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को सपोर्ट भी करें और हमारे Instagram ID को भी फॉलो कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से मुझे फॉलो कर ले। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने रॉकर खोल दिया है और रॉकर को मैं बाहर कर लेता हूँ। रॉकर को बाहर करके मैं हेड को ओपन करूँगा, मतलब हेड को अलग करूँगा और दिखाएंगे इसमें फॉल्ट क्या मिलता है हमको। तो फ्रेंड, फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर ले, ताकि नोटिफिकेशन हमारा आपके पास मिलता रहे। और हमारे Instagram ID को भी फॉलो कर ले, वहाँ से मुझे मैसेज कॉल कर सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ पे मैं रॉकर खोल दिया हूँ। रॉकर खोलने के बाद यहाँ पे मैं पुश रॉड को निकाल लेता हूँ, जो कि पुश रॉड आप लोग सबको पता है कि पुश रॉड किसको बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने रॉकर खोलकर पुश रॉड को बाहर निकाल लेता हूँ और हेड की जो बोल्ट है हमारी, जो 18 नंबर की हमारा स्टड आता है, उसको भी मैं खोल लेता हूँ और खोल कर इसको हेड को ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ हमको क्या फॉल्ट मिला है इसमें। जैसे कि हर वीडियो में बताता हूं कि फ्रेंड, आप लोग लास्ट तक देखेंगे, एंड तक देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा। तो मैंने हेड का बोल्ट ढीले कर लिए है, मतलब खोल लिए, अब उसको बाहर कर लेता हूं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वीडियो को कम टाइम में बनाऊंगा इसको, ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे, ताकि आप लोग बोर ना हो। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भाई लंबा वीडियो है, बोरिंग हो जाएंगे, तो ऐसा फ्रेंड ऐसा होता है कि लंबा बनाना पड़ता है हमको, मजबूरी में बनाना पड़ता है, ताकि आप लोग को पूरा डिटेल में समझ में आए कि भाई कैसे क्या है, किसा इसका प्रोसीजर हमने किया, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और ये रात का समय है, थोड़ा लाइट पे हमारे को काम करना पड़ रहा है, तो थोड़ा आपको इसमें थोड़ा ब्लैक दिखता होगा, क्योंकि रात के 2-3 बज रहे हैं। तो चलिए, हम इसको बोल्ट को बाहर कर लिया, अब हेड को भी बाहर कर लेते हैं। स्टड को खोलने के बाद हम हेड को बाहर करते हैं और दिखाते हैं इसमें हमको क्या फॉल्ट मिलता है और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व इसको कर सकते हैं और करना है हमको। कभी भी इसको भविष्य में कभी भी आपके पास ये प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, चाहे BS2 गाड़ी हो, चाहे BS3 गाड़ी हो, या टाटा की गाड़ी हो, या लेलन की गाड़ी हो, कोई भी एवरीवन कोई भी गाड़ी हो, इसमें प्रॉब्लम आता ही आता है। ये अगर प्रॉब्लम इसमें हो गया तो, जैसे आपने देखा कि वाटर टैंक से पानी बाहर आ रहा था, अक्सर छोटी गाड़ी में भी आता है ये प्रॉब्लम। तो ये ज़्यादातर अभी तो बड़ी गाड़ी में देखा जाता है, हम लोग तो बड़ी गाड़ी का काम करते हैं तो बड़ी गाड़ी में देखते हैं। तो चलिए, हेड को बाहर करते हैं और बाहर करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, हमारा हेड बाहर हो चुका है और गैस्किट देख सकते हैं, ये पुराना हमारा गैस्किट है, इसको निकालते हैं और दिखाते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम हमको क्या मिला इसमें। तो प्रॉब्लम को बाहर दिखाएंगे तो ही आप लोगों को पता चलेगा कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम था, क्यों वाटर टैंक से पानी बाहर हो रहा था। तो यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं कि 2 नंबर जो पिस्टन है वहाँ से गैस्किट हमारा कट गया है, यानी वहाँ से उड़ गया, गैस्किट कट गया। तो इसका कारण ये कंप्रेसर वीक हो रहा था और हमारा पानी बाहर हो रहा था। तो अक्सर गैस्किट अगर कटता है तो ही कंप्रेसर वीक होता है। कंप्रेसर वीक होने के कारण जो गैस, जो कंप्रेसर हम बोल रहे हैं गैस को बोलते हैं, गैस वीक होता है और वो हमारा पानी को बाहर करना चालू कर देता है। अक्सर आपने देखा होगा कि गैस्किट कटने के कारण आवाज़ भी आता है, छीक छाक का आवाज़ भी आता है। तो ये गैस्किट 2 नंबर के पास से कटा हुआ था। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम यानी मिल चुका है कि किस वजह से प्रॉब्लम था। तो इसको सॉल्व भी करके दिखाएंगे आपको कम्प्लीटली। ये वीडियो को एंड तक देखें आप लोग, ताकि आप लोगों को पता चला कि भाई प्रॉब्लम को सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे तो मेरा उम्मीद है कि 100% प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही होगा, क्योंकि यही प्रॉब्लम के कारण हमारा पानी वाटर टैंक से बाहर आ रहा था। तो चलिए, हम ब्लॉक को और हेड को थोड़ा पेपर मार देते हैं, पेपर मारेंगे ताकि फ्रेश करेंगे उसको, ताकि हमारा गैस्किट डालने के टाइम में दिक्कत ना हो। तो चलिए, हम फ्रेश करते हैं इसको, फ्रेश करके इसको अच्छे से साफ़ करते हैं, साफ़ करके फिर गैस्किट लगाएंगे और गैस्किट लगाकर पूरा कम्प्लीटली आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड फ्रेश साफ़ कर लिया है, पेपर मारेंगे, पेपर मार के इसको अच्छे तरह से फेस को जो है साफ़ कर लेना है,
ताकि उसके ऊपर पुराना जो गैस्केट का जो क्या होता है उसमें चिपक जाता है उसके अंदर में, और नया गैस्केट डालते हैं तो थोड़ा भी इधर से छिक छक आने लगेगा। और क्या होता है कभी कभी इस पर मिट्टी वगैरह कुछ आ जाता है तो वही दिक्कत करता है, गैस हमारा फिर से वही कंप्रेसर बाहर होने लगेगा और फिर से वही दिक्कत होने लगेगी, आवाज़ें आने लगेगी। तो इसको अच्छे तरह से पेपर को इससे पेपर से साफ़ करना है, जो कि एमरी पेपर जो हमारा आता है, और साफ देखिए कैसे हम लोगों ने एकदम क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है। तो ये साफ़ करने के बाद हेड को भी, जो हेड का हमारा फेस आता है पीछे का साइड जो हमारा गैस्केट के साइड में आता है, उसको भी फेस करना है। सबसे अच्छा तरीका है पेपर से उसको अच्छे तरीके से साफ़ करें, डीजल या कोई किरोसिन हो यानी घासलेट उससे भी साफ़ कर सकते हैं। तो चलिए हमारे पास गैस्केट है टाटा जीनियन पार्ट्स, तो इसमें गैस्केट आप कोई भी कंपनी का लगा सकते हैं, चाहे टाटा जीनियस पार्ट का हो चाहे बैंको का हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कौन सी कंपनी का गैस्केट आप लोग यूज करते हैं, जो कि हेड गैस्केट कौन सी कंपनी का आप यूज करते हैं आपके ऊपर है, आपको जिस पे भरोसा है उसको लगा सकते हैं। हमारे पास टाटा जीनियस पार्ट का है तो इसको ही हम यूज करेंगे और इसको ही लगाएंगे। और गैस्केट के ऊपर थोड़ा सा क्या करना है हमको, आपके पास अगर इंजन ऑयल है तो इंजन ऑयल लगा दें, एवरीवन कोई भी ऑयल या ब्रेक ऑयल हो तो भी, ताकि हमारा जो क्या होता है कि अगर हम लोग हेड इसके ऊपर रखते हैं तो हेड के ऊपर जल्दी चिपक जाता है, और चिपकने के कारण क्या होगा गैस्केट इधर उधर थोड़ा हेड होगा तो कट जाएगा। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा इस पर ऑयल लगा दे। तो हम लोग क्या करेंगे, टिक्की ऑयल या इंजन ऑयल इस पर लगाएंगे। तो हमारे पास इंजन ऑयल है अवेलेबल, ये हम लोग रास्ते में आए हैं यानी साइड पर आए हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पर हमने पूरा अपना सामान लेकर आए थे ताकि हमारा कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इस पर इंजन ऑयल लगा लेते हैं थोड़ा, ताकि हमारा गैस जब हेड हम लोग रखे उसके ऊपर तो हमारा गैस्केट कटे नहीं, क्योंकि गैस्केट क्या होता है जब हमारा इसके ऊपर लोखन दोनों टकराता है तो ये गैस्केट कटने का चांसेस रहता है, इधर उधर हमारा हेड तो होना ही होना है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा हेड बैठाते हैं आप लोग तो थोड़ा बहुत इधर होता ही होता है, तो उसके कारण कटे नहीं, तो इसके ऊपर क्या होगा स्लिप होगा, ये स्लिप होने के कारण क्या होगा ये कटेगा नहीं। तो थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर दोनों तरफ से अच्छे तरीके से लगा देते हैं, और लगाने के बाद इसको गैस्केट को बैठाते हैं ब्लॉक के ऊपर, और ब्लॉक के ऊपर बैठाकर इसको हेड बैठाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग बैठा लेते हैं। तो फ्रेंड ये चीज़ का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से काफ़ी आप लोगों को सीख मिलेगा और काफ़ी आप लोगों को समझ में आएगा, ताकि कभी ऐसा प्रॉब्लम आपके पास सामने आता है तो फटाक से आप लोग वहाँ पर प्रॉब्लम के पास पहुँच जाए, ये नहीं कि हाँ भाई कभी ये खोल दिया कभी दूसरा कुछ खोल दिया। तो चलिए थोड़ा सा पिस्टनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल रख देते हैं ताकि हमारा अच्छा काम करेगा ये। तो ये क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों के दिमाग में चलता होगा भाई हो सकता है वाटर बॉडी से हो, वाटर पंप जो आता है, तो फ्रेंड वाटर पंप अगर जाता है अगर तो उससे क्या होगा गाड़ी एकदम पूरी गैस बनाएगी, पानी बाहर नहीं फेंकेगा, पूरी हीट हो जाएगी गाड़ी आपकी, तो वो होता है वाटर पंप की वजह से। और गैस्केट जाता है तो आपकी गाड़ी एकदम पूरी ठंडी पड़ी हुई है और उसके वजह से क्या होगा गाड़ी वाटर टैंक से पानी बाहर आना चालू हो जाता है। तो ये आप लोगों ने देखा कि दो नंबर गैस्केट के पास से हमारा गया हुआ था, इसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारा काम है और सॉल्व करके दिखाना हमारा काम है, ताकि आप लोगों को हमारे चैनल पे भरोसा हो और जो उम्मीदें आप लोग करते हैं उस उम्मीद पर हमारा चैनल खरा उतरे। तो चलिए इसके ऊपर गैस्केट बैठाते हैं, बैठा दिया हमने, इसके ऊपर हेड भी बैठाते हैं। तो हेड को हमने रख दिया है क्योंकि हेड बैठाने के टाइम में हमारे पास फ्रेंड ऐसा होता है कि इसमें दो जाने का ज़रूरत पड़ता है, तो इसमें बैठाने के टाइम में नहीं दिखाया क्योंकि हमने पहले ही रख दिया, उसके बाद दिखाया आप लोगों को। तो चलिए हम लोग स्टड को पूरे तरह से फेस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास टी हैंडल है, बड़ा टी हैंडल है, उससे हम लोग फेस करेंगे पूरा, और इसको टॉर्क रिंच जो आता है हमारा टॉर्क रिंच भी लगाएंगे इसके ऊपर, टॉर्क रिंच लगा कर इसको अच्छे तरीके से। और टॉर्क रिंच का जो केजी है फ्रेंड, जो हम लोग केजी के हिसाब से मारते हैं टॉर्क रिंच से, तो टॉर्क रिंच का केजी आपको कितना रखना है 110, अगर 110 लगाते हैं आप लोग तो काफ़ी अच्छा रहेगा फ्रेंड। कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारे मैकेनिक जो है 110 15 20 30 तक मार देते हैं, 130 केजी तक लगा देते हैं, मगर हम लोग 110 लगाते हैं वो 115 पे काम कर जाता है, 110 मारने के बाद आप 115 पे लगाते हैं तो वहाँ पे भी वो बोल जाता है। तो ये टे हैंडल आपके पास नहीं है तो बना लें आप लोग, ताकि आप लोग को बहुत काम का चीज़ है ये, ख़ास करके जब हम लोग हेड गैस्केट खोलते हैं या इंजन खोलते हैं हेड उतारते हैं हेड को अलग करते हैं तो इसमें ख़ास करके उसमें ज़रूरत पड़ता है।
तो चलिए अभी हमारा फेस हो चुका है, अब इस पर टॉर्क लगाते हैं। टॉर्क लगाकर चेक कर लेते हैं कि हमारा पूरा बोल्ट। तो ये फ्रेंड टॉर्क जो होता है वो 110 केजी पे हम लोग क्यों लगाते हैं, ताकि हमारा हेड गैस्केट अच्छे तरह से चिपक जाए, हेड हमारा अच्छे तरह से बैठ जाए। अब क्या होता है कि कभी कभी बहुत मैकेनिक ऐसे होते हैं कि टी हैंडल या बड़ा एल टामी रिंच जो होता है हमारा, एल टामी बोलते हैं हम लोग, उससे भी मारते हैं, उससे भी लगाते हैं। मगर हम तो फ्रेंड हमारे पास टॉर्क रिंच है, तो टॉर्क रिंच से ही लगाएंगे इसको। तो यहाँ पे टॉर्क रिंच 110 केजी पे हमने कर दिया है और 110 केजी पे इसको टॉर्क बजाते हैं हम लोग, कम्प्लीटली इसको मारते हैं। तो चलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको टॉर्क दिखा दिया है तो इसको हम लोग कम टाइम में आपको बताएंगे, ताकि आप लोग को ज़्यादा टाइम ना ले सकें। यहाँ पे 110 पे हम लोग इसको बजा लेते हैं। तो यहाँ पे 110 पे हमारा बोल जा रहा है ये। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रॉकर सेट करेंगे, यानी जो हमारा चिड़िया होता है, टैपिट रॉकर हमारा होता है, उसको हम लोग सेट करेंगे। उसका वीडियो मैंने पहले भी बहुत अपने यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, BS4, BS3, BS2, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप लोग BS3 का टैपिट आप लोग देख सकते हैं, और BS4 का भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। सेम फायरिंग ऑर्डर है, कोई अलग नहीं है इसमें, चाहे BS2 का हो, चाहे BS3 हो, चाहे BS4 हो, वही है 15, 36, 24 हमारा फायरिंग ऑर्डर है। और टैपिट करने का तरीका भी मैंने दिखाया है इसमें, कैसे टैपिट करना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। BS4 और BS3 का आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि टैपिट कैसे होता है। तो ये हमारा टॉर्क रिंच 110 पे बोल जा रहा है। तो चलिए फटाफट से हम लोग रॉक और बैठाते हैं इसके ऊपर, हमारा हेड हो गया कम्प्लीट। तो इसके ऊपर हम लोग रॉकर बैठा कर फटाफट से टैपिट कर लेते हैं, टैपिट करने के बाद गाड़ी को चालू करेंगे। तो टैपिट का वीडियो इसमें नहीं दिखाएंगे, क्योंकि टैपिट करने जाएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए पुश रॉड को अब डाल लेते हैं, पुश रॉड डालकर रॉकर बैठाएंगे हम लोग। तो 12 पुश रॉड इसमें आते हैं फ्रेंड, सबको पता है, बताने की तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो 12 पुश रॉड है, 12 पुश रॉड हम लोग डालेंगे इसके अंदर में और डालकर रॉकर बैठाएंगे हम। तो इसमें फ्रेंड क्या होता है कि हमारा, जैसे कि कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है, वाटर टैंक से पानी फेंक रहा है, और बहुत सारे मतलब हमने देखा है कि बहुत सारे मैकेनिक लोग कभी फ्री फैन विस्कस खोल देंगे, कभी वाटर बॉडी खोल देंगे, वाटर पंप खोल देंगे। तो फ्रेंड इस वीडियो में आप लोगों को मैंने दिखाया कि कैसे इसके वाटर टैंक से पानी फेंक रहा था, और कैसे हम लोग इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, ताकि हमारे चैनल पे जो भरोसा है आपका, वो भरोसा कायम रहे। तो यहाँ पे पुश रॉड कम्प्लीटली करने के बाद रॉकर बैठाएंगे, रॉकर बैठाकर टैपिट का वीडियो नहीं बनाएंगे, जो कि बहुत सारा मैंने वीडियो बनाया है टैपिट का, वहाँ से मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन घंटी को ऑल प्रेस कर दें, ताकि नई वीडियो की अपडेट आपके पास मिलती रहे, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये वीडियो का हो सकता है ज़रूरत पड़ेगा, तो उनके पास भी ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से मुझे फॉलो कर लें, वहाँ से मुझे कॉल मैसेज सब कर सकते हैं वहाँ से। और ज़्यादातर फ्रेंड मैं तो हर जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, जो भी नंबर मांगते हैं, मैं नंबर दे ही देता हूँ, ताकि हो सकता है अपना एक्सपीरियंस बांटने से एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो चलिए रॉकर का पैड बैठा लेते हैं, जो कि 6 पैड आएंगे। तो चलिए इसको लंबा नहीं लेते हैं, फटाफट से बैठाते हैं इसको। अब फ्रेंड ये फटाफट से रॉकर को दिखाते हैं कि हमारा रॉकर कम्प्लीटली बैठ चुका है, और 10 नंबर बोल्ट को भी हम लोग फेस कर लेते हैं अच्छे तरीके से। फेस करने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जो हमारी नोजल लाइनें हैं यानी इंजेक्टर लाइन, उसको भी कम्प्लीटली कम्प्लीट करेंगे। उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाएंगे आपको कि भाई वाटर टैंक से पानी फिर से आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी प्रॉब्लम सॉल्व हमारा हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए फटाफट से इसको कम्प्लीट करके ही दिखाएंगे आपको, चालू करके ही दिखाएंगे, ताकि आपको पता चले। तो यहाँ पे हमारा पूरा कम्प्लीटली हो चुका है, और सुबह हो चुका है फ्रेंड, काम करते करते हमारा सुबह भी हो गया।
तो यहाँ पे कम्प्लीटली हो चुका है। अब गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, और स्टार्ट करके फिर चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हाँ भाई प्रॉब्लम सॉल्व करके हमने दिखाया, और हमारा चैनल आप लोगों को कभी गलत वीडियो नहीं बनाता है। तो यहाँ पे हमारा कम्प्लीटली हो चुका है और गाड़ी हमारा चालू हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्री फैन हमारा घूम रहा है, यानी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है हमारी। अब चलते हैं वाटर टैंक के सामने चलते हैं, वहाँ से देखते हैं कि हमारा पानी बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ वाटर टैंक के पास, पानी है कम्प्लीटली फुल, इसमें हमने पानी भर दिया है पूरा फुल। यहाँ पे देख सकते हैं पानी फुल है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, यानी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पे लाइक।